का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है आपके पर्सन बैंक के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अब आपके जो पेपर हैं वो पर्सन बैंक से नहीं आएंगे। सो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट देखने के लिए इस न्यूज़ को, इस आर्टिकल को पूरा देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को लेकर छात्रों में बहुत ही डर का बिल्कुल यहाँ पे भय पैदा हो चुका है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे यही जताया जा रहा था कि आपका जो पूरा का पूरा जो पेपर है, 10वीं और 12वीं का, 9वीं और 11वीं का, आपकी जो परीक्षा होगी वो पर्सन बैंक से ही पूरा का पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पे सेट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों पूरी अपडेट यहाँ पे क्या है कि एक आर्टिकल की मदद से। जी हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी एक नया लेटेस्ट फीचर लेकर आया है जो है आस्क ए डाउट। अगर आप हो 6 to 12 के स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस फीचर का लाभ उठा सकते हैं। विद इन 1 मिनट आपको रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन आपको इस आस्क ए डाउट फीचर में मिल जाएगा। आपको किस प्रकार इसको यूज करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको बेसिकली अनअकैडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, उसमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने सीबीएसई क्लास 10 की कैटेगरी यहां पे सेलेक्ट की है। आपको उसमें दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद में आपको बेसिकली नीचे आना है और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखाई दे रहा होगा आस्क ए डाउट। आपको क्या करना है बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे योर डाउट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, योर डाउट पे क्लिक करने के बाद में एक ऐसा इंटरफेस, थोड़ा टाइम लग सकता है, एक इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। थोड़ा लोड होने में दोस्तों यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलेगा, आप देख सकते हैं पहले भी मैंने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला था इसका। तो आपको बेसिकली क्या करना है, टेक ए पिक्चर या चूज फ्रॉम द गैलरी, चूज फ्रॉम द गैलरी पे क्लिक करना है। जैसे आप चूज फ्रॉम द गैलरी पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जैसे आपने कोई पिक्चर यहाँ पे ऑलरेडी ले रखी है, तो आपको क्या करना है सिंपली आपको इस पिक्चर को क्रॉप करना है। क्रॉप किस प्रकार से करोगे दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको लेना है बिल्कुल नीटली क्रॉप करना है, ओनली एट अ टाइम आप एक ही पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया तो आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है। फिर इसमें अपलोडिंग का आएगा दोस्तों, इसमें अपलोड हो रहा है आपका, जो आपने जो पिक्चर्स ली थी अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद दोस्तों आपसे पूछेगा मैथ्स में, जैसे ही आप बोलोगे दोस्तों यहाँ पे कैन यू टेल मी द सब्जेक्ट्स, तो मैथमेटिक्स का है, तो ये लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन देख रहा है, विद इन 1 मिनट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देगा। देख सकते हैं इसमें विद इन वन मिनट से भी नीचे दोस्तों आपका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है। वी सॉल्यूशन में जैसे आप जाओगे तो इस प्रकार से एक वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने खुल के आएगा यहाँ पे, जिसमें आपको बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशन में आपको बिल्कुल प्रॉपर बताएगा। मार्च तक यहाँ पे अनअकैडमी आस्क ए डाउट फीचर में एक नया ऑफर आपके लिए चला हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट आपको आस्क ए डाउट में 10 डाउट्स अगर आप यहाँ पे पूछते हैं तो आपको फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 15 दिन का मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 दिन का फ्री अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलता है दोस्तों। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 10 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपको फ्री बैचेस फॉर द टॉप एजुकेटर्स मिलेगा। आपके पूरे के पूरे कोर्स का रिविजन होगा, आपको क्रैश कोर्स कराया जाता है और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराया जाता है। तो दोस्तों फटाफट यहाँ पे अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और इस ऑफर का लाभ उठाएगा। दोस्तों कुछ मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और 6 to 12 की क्लासेस का डायरेक्टली रीच करने के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जहां से आपको फटाफट यहाँ पे रीच करना है। सो दोस्तों हरी अप एंड डाउनलोड अनअकैडमी ऐप और इस ऑफर का लाभ उठाए। फ्रेंड्स, मासिम का यू टर्न, छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी परेशान, कहा पर्सन बैंक से तैयारी की, अब नए सिरे से करनी होगी पढ़ाई। अपलोड पर्सन बैंक से नहीं, पिछले साल की तर्ज पर आएंगे 10वीं 12वीं के पेपर। तो क्या है पूरी अपडेट दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को मजाक बना दिया है। जिस पर्सन बैंक को वेबसाइट पर अपलोड करके विभाग के अफसरों ने उसे छात्र हित में बताया था, कहा था कि इसी से छात्रों को पढ़ाई करनी होगी, उसमें से ही मुख्य परीक्षा में पर्सन आएंगे। लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि पिछले साल की तर्ज पर पेपर आएंगे, इससे छात्रों के सामने परेशानी खड़ी हो गई, उन्हें अब फिर से तैयारी करनी होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के पर्सन बैंक से ही छात्राओं को तैयारी कराई। शिक्षक भी इस पेशो पेश में है कि इतनी जल्दी छात्राओं को नए सिरे से तैयारी किसी कराए। शैक्षिक विश्लेषक रमाकांत पांडे के मुताबिक मंडल के अफसरों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि इस बार से ही कोविड के कारण छात्र पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पाए हैं, ऐसे में छात्रों को राहत दी जानी चाहिए। जब वे पर्सन बैंक से तैयारी कर चुके हैं तो उसी में से ही पर्सन आने चाहिए। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि पर्सन बैंक बार बार किया जा रहा है अपडेट। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 500 पर्सनों का जो पर्सन बैंक अपलोड किया था
उसमें से भले ही मुख्य परीक्षा में प्रश्न आने से इनकार किया जा रहा है, लेकिन उसी प्रश्न बैंक को बार बार अपडेट किया जा रहा है। मासिम सचिव बोले, पुराना आदेश रद्द किया। मासिम के सचिव उमेश सिंह का कहना है कि पूर्व में जारी गए प्रश्न बैंक वाले आदेश को रद्द किया है। पिछले साल की तर्ज पर ही छात्रों को पेपर आएंगे, छात्र को अब उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। अफसरों की अंतर्कलह, विद्यार्थियों का नुकसान। तो फ्रेंड, इसमें विद्यार्थियों का ही नुकसान है, क्योंकि इंदौर पालक संघ के अध्यक्ष अनुरोध जैन ने बताया कि यह साल तो छात्रों को विश्वास बढ़ाने वाला साल है, अफसरों के अंतर्कलह के कारण छात्रों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंची है। सो दोस्तों, पूरी बात का अगर मैं निचोड़ कर दूं, अब इस नई अपडेट के हिसाब से आपका जो पेपर है वो पर्सन बैंक से नहीं आएगा। तो जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के पर्सन बैंक कब आएंगे, तो फाइनली दोस्तों बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं कि जो पुराने आदेश हैं उनका खंडन किया जाता है और आपके जो पर्सन बैंक हैं उनमें से पेपर नहीं आएगा। तो दोस्तों, अभी भी टाइम है, अपनी किताबों से तैयारी स्टार्ट कीजिए। लेकिन मैं सभी अपने जो बोर्ड अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश मंडल हैं, शिवराज सिंह चौहान है, उनसे आग्रह करूंगा कि ये आदेश वापस लिया जाए। और इसमें क्या है कि यहाँ मेरे छात्रों के हित के लिए ही बात की जाए, क्योंकि पर्सन बैंक से ही पेपर आना चाहिए, क्योंकि छात्रों ने उसी के लिए ही तैयारी की है। सो दोस्तों, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि ये मेरी बात है मध्य प्रदेश मंडल भोपाल तक जाए और इसमें बदलाव फिर से हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।